गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, आपका जीके का टाइम अभी 8 PM चल रहा है। चलिए सर, तो जून 2023 का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जून 2023 की डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। करीब करीब आधा डिस्कशन हो गया था ना, आधा जून का करंट अफेयर्स लगभग लगभग कंप्लीट हो गया था। उसके आगे हम लोग को आज बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ने से पहले पिछले कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनवील्ड द हाइपरसोनिक मिसाइल फत्ता। अभी एक मिसाइल है फत्ता, वो किसने अनवील किया? सऊदी अरेबिया, UAE, ईरान या फिर अफगानिस्तान? बिल्कुल, इसका ये जो फत्ता मिसाइल है ये कहाँ पर है? ईरान में। ठीक है, ईरान के टाइम मैंने आपको बताया था दो इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स हैं, SI में पूछ चुका है, दश्ते काविर, दश्ते लूत। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों कहाँ पर है आपका? ईरान में। ठीक है, इसका चलो अभी यहाँ तक तो हम लोग नहीं पहुंचे हैं। मिष्टी स्कीम से रिलेटेड, मिष्टी देखो कई बार रिपीट हो चुका है, हम लोगों ने पिछली क्लास में मिष्टी के बारे में बात भी किया था। तो एक बार बताइए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कीम लॉन्च की है आपका मिष्टी स्कीम, वो किससे रिलेटेड है? फर्टिलाइजर से, मैंग्रोव से, मैनुअल स्कीवेंजिंग से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से? बताइए। दुलम जी, साउंड तो आ रहा है, आप एक बार अगर साउंड का प्रॉब्लम चल रहा है तो एक बार उसको बंद करके फिर से दोबारा ओपन करें। ठीक है, साउंड क्लियर है ना सब सब लोगों के लिए? हाँ जी, मिष्टी स्कीम हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में, किससे रिलेटेड है? मैंग्रोव से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो कोस्टल एरिया में इस तरह के पेड़ मिलते हैं जिनके रूट्स आपका जमीन से ऊपर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मैंग्रोव्स कहते हैं। ऑलराइट, तो ये 44 तक हो गया था आई थिंक, सॉरी 43 हो गया था। फ्रेजर आइलैंड की बात हम लोगों ने कर ली थी पिछली क्लास में, फ्रेजर आइलैंड देखा था, उसका भी रिसेंटली नाम चेंज होके कगारी हो गया। ठीक है, तो ये किस कंट्री में है फ्रेजर आइलैंड? ये ऑस्ट्रेलिया में है, और यहाँ पे हम लोगों ने बात भी की थी ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल कैनबेरा है। कई लोगों को डाउट होता है कैपिटल सिडनी है, सिडनी नहीं है सर, कैपिटल क्या है आपका? कैनबेरा। ठीक है, चलो तो ये यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 43 तक हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, इसके आगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। रिसेंटली फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बीन रिलीज्ड? इनमें से किस स्टेट ने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज किया है? अरुणाचल, आसाम, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? हाँ जी, हिंट दे देता हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, अगर ये नहीं बन रहा है तो हिंट दे देते हैं, नॉर्थ ईस्ट का सवाल है। चलो जी, हाँ तो बिल्कुल सही बात है, ये आपके स्टेट की बात है तो ये हमें पता होनी चाहिए। यानी डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स किसने रिलीज किया है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने रिलीज किया है। ठीक है, इनका पर्पस क्या है? डिस्ट्रिक्ट को एनालाइज करना, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कैसी ग्रोथ हो रही है उसको चेक करने के लिए ये इंडेक्स रिलीज किया गया है। ठीक है, तो कुछ एनालिसिस यहाँ पर आपकी लिखी है, जैसे मोर देन 50% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिपोर्टेड इंक्रीज इन द डिसबर्समेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन्स। यानी आधी से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स ने जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन्स लिए गए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करने के लिए जो लोन्स लिए गए हैं उसमें इंक्रीमेंट देखा गया। तो दैट इज अ गुड थिंग कि अगर लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन्स ले रहे हैं तो वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप करेंगे, और अपना खुद का बिजनेस सेटअप करेंगे तो वो किसी का नौकरी नहीं खाएंगे, वो खुद एक नौकरी जनरेट करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्होंने ग्रोथ रेट जो
ग्रोथ रेट होता है उसी का पूरा नाम आप मान सकते हो, सीएजीआर, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट में भी ग्रोथ रेट देखी गई है, ठीक है। इसके अलावा और सारी जो डिटेल्स हैं यहाँ पर आप एक बार देख सकते हो। सेक्स रेशियो इम्प्रूव हुआ है, 22 डिस्ट्रिक्ट्स अचीव मोर देन 70% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, इम्यूनाइजेशन रेट इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। हेल्थ स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज बढ़ा है, तो ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में मेंशन गई हैं, ठीक है। ये एग्जाम में ही आया जा सकता है, इसीलिए ये आपके नोट्स में, ठीक है, नोट्स में अगर है तो इसका मतलब ये एग्जाम में आ सकता है, और लिखना नहीं है, ऑलरेडी आपको पीडीएफ मिलेगी, तो पीडीएफ में सब आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज किस तरह से रैंकिंग ली गई है। तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सेक्टर पकड़ लो आप, अगर एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर पकड़ लो, तो उसमें ईस्ट डिवीजन में कौन टॉप पे था? सियांग था। सेंट्रल डिवीजन में आपका अपर सुबानसिरी रहा, और वेस्ट डिवीजन में पापम पारे रहा। यानी इधर आपके सेक्टर्स लिखे हैं, इधर आपके डिवीजन्स लिखे हैं, कि ईस्ट डिवीजन में कौन टॉप पे रहा, सेंट्रल डिवीजन में कौन टॉप पे रहा, वेस्ट डिवीजन में कौन टॉप पे रहा। उसके अलावा ओवरऑल ये सारे सेक्टर्स में ईस्ट डिवीजन में कौन टॉप पे रहा, नामसाई, और सेंट्रल डिवीजन में कौन टॉप पे रहा, वेस्ट सियांग, और वेस्ट डिवीजन में कौन रहा, तवांग, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का सेक्टर वाइज जो आपका इंडेक्स है वो यहाँ पर आपका मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टॉप द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 मेडल्स टैली इन सोल जर्मनी। जर्मनी में ये जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा है ISSF, ठीक है, इससे रिलेटेड, ISSF से रिलेटेड ये शूटिंग का वर्ल्ड कप है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली कुछ क्लासेस में किया है, ठीक है। तो अब इस बार ये सवाल ये है कि जो मेडल्स की टैली है उसमें टॉप किसने किया है, साउथ कोरिया ने, चाइना ने, इंडिया ने, या यूएसए में, यानी ये जो जूनियर वर्ल्ड कप है शूटिंग का, इसमें सबसे ज्यादा मेडल्स कौन लेके आया है? तो सर करेक्ट आंसर इस शूटिंग वाले जो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा जो मेडल्स लिए हैं वो किसने लिए हैं? इंडिया ने लिए हैं। इंडिया फिनिश द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 ऑन अ हाई, टॉपिंग द मेडल्स टैली। कितने मेडल्स लिए हैं सर हमने? 15 मेडल्स लिए हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यूडीसी में 5 सवाल आए थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पे अच्छा फोकस रखिए, और हर सवाल एक, हर साल 1 से 2 सवाल तो देख, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं ना, तो स्पोर्ट्स सेक्शन हमेशा से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, आसाम। आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, आसाम। करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में रहती है, वैसे तो हर स्टेट की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट की याद रखिए, बाकी स्टेट्स की जो सेंचुरीज न्यूज में रहती हैं उनको याद रखिए, वो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ठीक है, जो आपका न्यूज में रहती है उसके अलावा मत करिए। तो क्वेश्चन नंबर 46 करेक्ट आंसर इज आसाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, जो आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर है सर आपका? आसाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाओ। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च सागर समृद्धि विच इज एन ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च सागर समृद्धि विच इज एन ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डीयरिंग, या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज,
या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बताइए सर। सागर समृद्धि, तो थोड़ा सा आइडिया लगाओ, सागर मतलब ओशियन की बात हो रही है, तो ओशियन में सर ये एग्रीकल्चर वाले क्या करेंगे, कॉमर्स वाले क्या करेंगे, ठीक है। तो फिशरीज थोड़ा थोड़ा ओशियन से रिलेटेड होता है, फिर भी इसके चांसेस कम है। सबसे ज्यादा चांसेस किसके सही होने के लग रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। बिल्कुल सही बात है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, ये मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है आपका जो प्रोजेक्ट है आपका सागर समृद्धि उसे, ठीक है। इसी बात पे मेरे को बताओ इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, ये पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री है, इसके मिनिस्टर कौन है मेरे को बताइए। ये जो पूरा सिस्टम है इसको आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने डेवलप किया है, ये एक तरीके का आपका पोर्टल है ना, जो पूरा इंफॉर्मेशन को ट्रैक करता है, यानी ओशियन में जो भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ओशियन पोर्ट्स जितने भी हैं अपने वहां पे, जो ओशियन पे सी पोर्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, जितने भी उसमें वहां पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है उन सबको ये क्या करता है, ट्रैक करता है, उस पर नजर रखता है। जैसे ड्रेजिंग का प्रोसेस होता है, ड्रेजिंग का मतलब जो कोस्टल एरिया में आप देखोगे सैंड इकट्ठा हो जाती है, ठीक है, बॉर्डर लाइन पे कोस्ट लाइन पे सैंड इकट्ठा हो जाती है, तो इसकी वजह से शिप्स को इधर आने में दिक्कत होती है, तो ये सैंड टाइम टू टाइम हटाई जाती है, तो कितना सैंड हट गया कितना बाकी है उसका जो पूरा ट्रैकिंग वगैरह है उसकी जो पूरी डिटेलिंग है वो सारा इस सिस्टम में रखा जाएगा। समृद्धि का मतलब ही डेवलपमेंट होता है, तो पोर्ट से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस चलेगा उन सबको ट्रैक करने का काम करेगा ये सिस्टम, ठीक है, और इसी का नाम है आपका सागर समृद्धि, तो ध्यान रखिएगा। तो आसाम के फॉर्मर सीएम मिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल जी इज द मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के इतना ध्यान रखो आपकी सी पोर्ट्स में जो भी डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है उसको एक जगह पे ट्रैक करेगा ये आपका सागर समृद्धि, ठीक है सर, क्लियर है। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप, फिर हम लोग आगे बढ़े। हाँ जी, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया हैज सिक्योर्ड अ थर्ड प्लेस इन द पेरिस डायमंड लीग 2023 इन द लॉन्ग जंप इवेंट। टीचर वॉइस चेंज आ रही, टीचर तो मैं वही हूं, यकीन करिए। हाँ, हु अमंग्स द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया हैज सिक्योर्ड अ थर्ड प्लेस इन द पेरिस डायमंड लीग इन द लॉन्ग जंप इवेंट। थोड़ा सा हो सकता है आवाज स्लो लगे आज मेरा, क्योंकि आज काफी एग्जर्टेड सीन हो गया था, कल से आज से थोड़ा सा बिजी चल रहा था, तो इस वजह से कल भी आपका क्लास ही ले पाते, बाकी मैं वही हूँ तो लगातार करंट अफेयर्स ले रहा हूँ। करंट अफेयर्स की आज 239 क्लास है और सारी क्लास मैंने ही ली है, ठीक है, इसका आप टेंशन मत लो। हु अमंग्स द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया हैज सिक्योर्ड अ थर्ड प्लेस इन द पेरिस डायमंड लीग। स्पोर्ट्स का सवाल है सर, स्पोर्ट्स के सवाल पे तो अलग से ध्यान रखना आपको, ठीक है, लॉन्ग जंप इवेंट में तो इंडिया की तरफ से किसने जीता है, मुरली श्रीशंकर, ठीक है, मुरली श्रीशंकर। कितना हाइट, 8.09 मीटर, ये लॉन्ग जंप में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, टू फिनिश थर्ड इन द मेन्स लॉन्ग जंप इवेंट। चलो, तो इन्होंने यहाँ पर क्या जीता है, थर्ड प्लेस जीती है पेरिस डायमंड लीग में। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड पीस कमेटी इन मणिपुर, हु अमंग्स द फॉलोइंग विल बी द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। तभी हम लोगों ने एक कमेटी डिस्कस की थी, जुडिशियल कमेटी, जो क्या करेगी वहां पर आपका इंक्वायरी करेगी कि ये वायलेंस शुरू कैसे हुआ,
इसी के अलावा सरकार ने पीस कमेटी भी बनाई है जिसका पर्पज होगा वहां पर पीस स्टैब्लिश करना। तो इस कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया? पीस कमेटी का सरकार ने चेयरमैन किसको बनाया? ये सवाल है। हाँ जी, तो अगर वहां पर पीस कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है तो उसका जो चेयरमैन है वो किसको बनाया जा रहा है? वहां की जो गवर्नर साहिबा हैं श्रीमती अनुसुईया उइके जी, ठीक है, अनुसुईया उइके जी शी बिलोंग्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, ठीक है, वो मणिपुर की गवर्नर है और उनको चेयरपर्सन बनाया जा रहा है वहां के आपका पीस कमेटी का, जिनका पर्पज होगा टू फैसिलिटेट पीस मेकिंग प्रोसेस अमंग वेरियस एथनिक ग्रुप्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो ये इनका पर्पज है। चलिए, तो हम लोग प्रे करते हैं कि मणिपुर के जो हालात हैं पहले से नॉर्मलसी की तरफ आए, वायलेंस खत्म हो, ताकि वापस से सब लोग एक हैप्पी हेल्दी लाइफ जी पाए जैसा वो जी रहे थे, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द विमेन सिंगल टाइटल एट द 2023 फ्रेंच ओपन, ठीक है। खेल का सीजन है, बहुत सारे गेम चल रहे हैं, तो वो सारे गेम आपके इसमें कवर हो जाएंगे। तो अभी 2023 फ्रेंच ओपन हुआ था, उसमें विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, बताइए सर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द विमेन सिंगल टाइटल, तो विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता फ्रेंच ओपन 2023 में? इगा स्वायतेक ने जीता, करेक्ट आंसर। बता सकते हैं इगा स्वायतेक कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? हाँ जी, कोई बता सकता है? इगा स्वायतेक जो है आपका कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? बिल्कुल, शी बिलोंग्स फ्रॉम पोलैंड, पोलैंड की टेनिस प्लेयर है वो, इसी बात पे पोलैंड की कैपिटल हो जाए सर। हाँ जी सर, इसी बात पे पोलैंड की कैपिटल बताइए जरा, पता है किसी को पोलैंड की कैपिटल? पोलैंड काफी न्यू, अभी हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे आप तो पोलैंड वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो उसमें पोलैंड का तो काफी जिक्र आएगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर ने सबसे पहले पोलैंड पे अटैक किया था, उस पर एक मूवी भी बनी है पियानिस्ट, हॉलीवुड की वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी, वो भी आप देख सकते हैं फ्री टाइम में। तो वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर ने वहां पर क्या क्या किया था वो सारे उसी इवेंट से इंस्पायर्ड मूवी है, ठीक है। बिल्कुल सही बात, पोलैंड की कैपिटल क्या है? वॉर्सो, ठीक है, पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वॉन द 2023 विमेन्स जूनियर एशिया कप हेल्ड इन काकामिगहारा जापान, ठीक है, काकामिगहारा छोड़ो, जापान में हुआ था विमेन जूनियर एशिया कप, तो वो कौन सी कंट्री ने जीता, बताइए सर। 2023 विमेन जूनियर एशिया कप कौन सी कंट्री ने जीता है और वो किस इवेंट से रिलेटेड था? हाँ जी, आप देख रहे हो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके कवर कराए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि ऐसा कोई भी इवेंट ना पूछ ले जो आप ना कर पाओ, है ना। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना भी आप पढ़ो ना उसको एक अलग से सेक्शन बना के याद रखना। हाँ, तो ये 2023 विमेन जूनियर एशिया कप आपका किसने जीता है? ये इंडिया ने जीता है, बिल्कुल सही बात। तो जो हमारी हॉकी टीम थी उन्होंने विमेन जूनियर एशिया कप जीता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट 100% डाई मिथाइल ईथर फ्यूल्ड ट्रैक्टर व्हीकल हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु?
बताइए सर, 100% डाई मिथाइल ईथर फ्यूल ट्रैक्टर किसने डेवलप किया? ठीक है, डाई मिथाइल ईथर एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब ये कोई पेट्रोल नहीं है, ये कोई डीजल नहीं है। ठीक है, अभी तक हम लोग बायोडीजल का कंसेप्ट तो लेकर आए हैं, यानी आपका डीजल के साथ हम लोग कुछ मिथेनॉल वगैरह मिलाएंगे जिसकी वजह से डीजल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। तो बट बायोडीजल की भी एक लिमिट है, 10% 20%, ऐसा नहीं है कि पूरी गाड़ी आपका प्योरली इथेनॉल पे चल रही है, अभी ऐसी कोई गाड़ी डेवलप नहीं हुई है। तो इसीलिए एक बड़ी अचीवमेंट है कि ऐसी गाड़ी डेवलप करना जो पूरी तरह से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे चल रही है, यानी अभी तक जो हम लोग बायोडीजल की गाड़ियां या इंजन बना भी रहे हैं तो उसमें जो आपका फ्यूल यूज हो रहा है वो 100% नॉन कन्वेंशनल नहीं है, कुछ अच्छा खासा परसेंटेज उसमें अभी भी पेट्रोल डीजल का जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है ऐसी गाड़ी बनाना, ऐसा जो आपका कंप्लीटली नॉन कन्वेंशनल सोर्स पर चल रहा है। ठीक है, तो ये जो काम किया है ये किसने किया है? आपका आईआईटी कानपुर में। अब डाई मिथाइल ईथर है क्या? ये एक अल्टरनेटिव फ्यूल है जिसको आप कह सकते हैं नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल वो जो दोबारा से रीयूज किए जा सके, ठीक है, और इसको रिन्यूएबल भी कह सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अल्टरनेटिव टू क्रूड ऑयल। तो इसको यूज करने से फिर हमारा जो क्रूड ऑयल है, ऑयल आपका गैस, ये पेट्रोल और डीजल है, इसकी डिमांड भी कम होगी। कई कंट्रीज जैसे कि जापान, यूएसए, चाइना, स्वीडन, डेनमार्क, कोरिया ऑलरेडी इस फ्यूल को यूज कर रही है, डाई मिथाइल ईथर को। ठीक है, अच्छा डाई मिथाइल ईथर के बारे में ध्यान रखना, ये क्या होती है? गैस होती है। ठीक है, ये लिक्विड मत समझना, ये क्या है? कलरलेस गैस होती है, तो ये ध्यान रखना। और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी अच्छी खासी है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू होता है कि 1 kg ऑफ फ्यूल बर्न करने पे वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। ठीक है, यानी आप 1 kg ऑफ पेट्रोल ले लो, 1 kg ऑफ डाई मिथाइल ईथर ले लो, तो दोनों एनर्जी लगभग सेम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? सेम है। तो डीएमई जो है अपना डाई मिथाइल ईथर, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कंपेरेबल है, मतलब लगभग लगभग उतनी ही है जितना आपका ट्रेडिशनल फ्यूल जैसे कि पेट्रोल वगैरह होते हैं, उतनी ही लगभग लगभग इसकी एनर्जी जनरेटिंग एफिशिएंसी है। ठीक है सर, क्लीन बर्निंग फ्यूल है, यानी इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड या कोई हैजार्डस आपके पॉल्यूटेंट्स क्रिएट नहीं होते हैं, एमिशन नहीं होता है। ओजोन फ्रेंडली एरोजोल प्रोपेलेंट है, जिसमें आपका जो पहले क्लोरो फ्लोरोकार्बन का एमिशन होता था गाड़ियों में, वो इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसे एमिशन हैं जो ओजोन लेयर को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो दैट इज अबाउट डाई मिथाइल ईथर फ्यूल। अब डाई मिथाइल ईथर फ्यूल हम लोग जो यूज कर रहे हैं, हमारा पर्पज है कि हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम नीति आयोग का। तो ये जो प्रोजेक्ट है डाई मिथाइल ईथर फ्यूल को यूज करना, ये इसी को बढ़ावा देगा। ठीक है, मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम, इसका पर्पज है इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है और जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है इनको कम करना। अगर हम पेट्रोल डीजल को कम यूज करेंगे तो हमें बाहर से कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो पैसा हमारा बचेगा। साथ ही साथ पेट्रोल डीजल से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है, तो मिथेनॉल और अदर इस तरह के जो फ्यूल्स हैं उनको यूज करने से ग्रीन हाउस एमिशन एमिशन को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द पर्पस टू प्रमोट मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम, उसी के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? डाई मिथाइल ईथर फ्यूल। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डाई मिथाइल क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि डाई मिथाइल ईथर क्या कहते हैं, ये फ्यूल है, ये किस तरह का फ्यूल है? ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपको चार ऑप्शन दे दे कि पेट्रोल डीजल के अलावा अल्टरनेटिव्स में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो एक ऑप्शन हो सकता है आपका डाई मिथाइल ईथर मिल जाए, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। देखिए पीडीएफ के लिए ये जो आपका, अच्छा पीडीएफ से पहले
उसको लेके आप टेंशन मत लो, कोई आंसर पहले दे रहा है बाद में दे रहा है। अब ये क्लास ऑनलाइन है तो हम एक एक को जाके विजिट नहीं कर सकते कि वो गूगल यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका आप जिस चीज में हम नहीं कर सकते कुछ, तो उसके बारे में टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें सब आजाद है, आप गूगल से देख कर आंसर देना चाहें गूगल से देख कर दें, आप खुद से गैस करना चाहें खुद से गैस करें, क्योंकि इस चीज में हम आपको रोक भी नहीं सकते, तो कहने का तो कोई मतलब बनता भी नहीं है, ठीक है। बाकी लोग ये समझ लें, ऐसा नहीं है कि कोई अगर आंसर दे पा रहा है तो उसको जज किया जा रहा है, ठीक है। आंसर तो लोग तुक्का मार के भी देते हैं, ए बी सी डी, तो उसको आपको जज नहीं करना है, कर रहे हैं करने दो, आपकी आप अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए, बाकी लोगों की परफॉर्मेंस पे नहीं, ठीक है। चलिए तो हाँ, और जो पीडीएफ की बात थी, पीडीएफ देखो आपका वैसे ये जो वीडियो की लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर एक पीडीएफ डाउनलोड करने की लिंक है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज फिर भी पीडीएफ नहीं मिल रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9997846422, मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। चलो, वैसे मैं तो सजेस्ट करूंगा गूगल कम यूज करिए, क्योंकि गूगल से कोई फायदा नहीं, इंटेलिजेंट गैसिंग करिए, यानी खुद से आइडिया लगाने की कोशिश करिए क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 53 पे आप लोग आ जाओ। रिसेंटली द करी इशाद मैंगो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग। करी इशाद मैंगो किस स्टेट का है जिसको जीआई टैग मिला है, बताइए सर। अब चलो बाकी हो गई बातें, अब इस पर आ जाओ। पीडीएफ फ्री है, पीडीएफ के लिए कोई पेमेंट नहीं लेना है। अच्छा, कहीं कहीं उड़ती उड़ती मेरे पास खबर आई थी कि इसी पीडीएफ को कुछ लोग डाउन, क्योंकि हमारे एंड से ये पीडीएफ फ्री मिलता है, लेकिन कुछ थर्ड पार्टी के लोग हैं जो अपना तो पीडीएफ डाउनलोड करते हैं फिर बाकी लोगों को 150-200 रुपए में सेल करते हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ ध्यान रखना फ्री है, कोई अगर पैसे में दे रहा हो तो मत लेना, कंप्लेन करना हमारे पास, ठीक है। बाकी नंबर तो मैंने दे दिया है, अगर दिक्कत हो तो इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर देना, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए सर, हाँ तो करी इशाद मैंगो बताइए फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिसीव्ड द जीआई टैग। आइडिया अच्छा है, तो आपके लिए आइडिया अच्छा होगा, लेकिन बाकी लोगों को अवेयर कर दिया गया, तो अगर कोई इस तरह का कोई पकड़ा पाया गया तो वो कंप्लेन करेगा, ठीक है। तो करी इशाद मैंगो रिसीव द, तो ये कहाँ का मैंगो है, ये सर आपका कर्नाटका का, देखो ऐसा दिखता है, ठीक है। ये कहाँ का मैंगो है, कर्नाटका का। देखो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है, इसके रिलेटेड हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। जैसे कोई एक आइटम है, मान लो खाने पीने का है, या कहीं का कोई ऐसा टेक्सटाइल वगैरह है जो किसी एक यूनिक एरिया में मिलता है, जैसे ये करी इशाद मैंगो ये यूनिकली कर्नाटका में ही मिलता है। इसका जो अरोमा है, इसका जो ल्यूशियस टेस्ट है, इसमें पल्प ज्यादा होता है, ठीक है। पल्प कहने का मतलब है कि जो आप गूदा होता है इसके अंदर का, कंपेयर टू जो उसकी गुठली होती है वो छोटी होती है, पल्प वाला पोर्शन इसमें ज्यादा होता है। और शेप जैसे हम लोग बचपन में आम बनाते थे कुछ इस तरह का, तो एक यूनिक शेप है इसकी, मतलब ऐसी वाली नहीं है, ये थोड़ा सा अलग शेप है ना, तो इस वजह से इसको एक अलग से जीआई टैग दिया गया। तो यानी ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, कर्नाटका में। बाकी कोई और स्टेट वाला अगर इस नाम से किसी भी आम को करी इशाद मैंगो नाम से बेचना चाहेगा तो नहीं बेच पाएगा, ठीक है। तो ये जीआई टैग इसलिए प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि जिस एरिया में पाया जाता है उसी एरिया के लोग इसकी मार्केटिंग कर पाए, है ना। तो ये पर्पज होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का। ऐसा नहीं है आपको एक बार टैग मिल गया तो लाइफ टाइम आपके पास रहेगा, ये टैग आपका 10 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो भारत में एक कानून है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, ठीक है, जीआई गुड्स 1999 कानून है, उसके तहत ये सारा जीआई टैग प्रोवाइड किया जाता है। जीआई टैग की वैलिडिटी कितनी है, 10 साल की वैलिडिटी, ठीक है। तो ये दो बातें बातें जीआई टैग के रिगार्डिंग जरूर ध्यान रखिएगा। चलो जी, अच्छा किसी को पता है अरुणाचल प्रदेश में कितने आइटम्स को जीआई टैग मिला हुआ है?
अरे अरुणाचल में तो आम का दाम ही अलग लेवल पे होता है, वहां तो पनीर फेल है उसके आगे, तो इतना महंगा बेचते हैं वहां। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टॉक टू टच द ₹1 लाख पर शेयर मार्क। हाँ तो इसको बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ जी अभी दो हैं, बाकरो ऑरेंज और रिदू मिश्मी टेक्सटाइल। कीवी आई थिंक अभी नहीं मिला, अगर मैं एक बार चेक कर लूंगा, कीवी मेरे ख्याल से अभी तक तो नहीं था। हाँ तो अभी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, ठीक है, तो हर एक कंपनी जो उस मार्केट में अपने आप को लिस्ट करती है, ठीक है, हर एक कंपनी जिसको अपने शेयर बेचने होते हैं तो वो अपने शेयर को लॉन्च करती है मार्केट में, और डिपेंडिंग ऑन द डिमांड उस कंपनी के हर एक शेयर का कुछ प्राइस होता है, ठीक है। कंपनी ने मान लो कहा कि हम 1000 शेयर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो वो कुछ एक प्राइस फिक्स कर देंगे, जब लॉन्च करते हैं तो एक प्राइस फिक्स कर देते हैं अपनी तरफ से, फिर वो मार्केट पे छोड़ दिया जाता है, तो डिमांड और सप्लाई जितनी उसकी डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग उसका प्राइस घटता या बढ़ता रहेगा। मान लो कंपनी ने जब लॉन्च किया तो एक शेयर का प्राइस रखा ₹100, लेकिन उसकी डिमांड थी तो बहुत जल्दी 100 से 150 हो जाएगा, या उसकी डिमांड नहीं थी तो वो 100 से घट के कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द डिमांड हर एक कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ता रहता है, तो इसी तरह से एक कंपनी है उसका एक शेयर का प्राइस 1 लाख प्लस का हो गया, ठीक है। अगर उस कंपनी का एक शेयर खरीदना है तो वो 1 लाख से ऊपर का मिलेगा, तो वो कौन सी कंपनी है? हाँ तो वो है सर आपका MRF। MRF आपने देखा होगा, टायर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर का जो बैट था उस पे, उसका स्पॉन्सर कौन था? MRF था। तो MRF बिकम्स फर्स्ट स्टॉक ऑन दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट क्या है? लोकेशन है जहां पर आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड है, टू हिट ₹1 लाख पर शेयर मार्क, ठीक है। तो 1,03,300 रुपी ये मार्क तक आपका यहाँ पहुंच गया था। चलिए ठीक है, अगर दो ऐड हुए हैं तो वो भी आपके जीके वाले पीडीएफ में अपडेट हो जाएंगे। और ठीक है, तो ये देखो वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, बट फिर भी मे बी शायद आपसे पूछ ले कभी एग्जाम में, इसलिए इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 55। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टैटिस्टिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टैटिस्टिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान। अभी रिसेंट डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी किस स्टेट के? गुजरात के, तमिलनाडु के, कर्नाटका की, राजस्थान की? तो करेक्ट आंसर इज गुजरात, ठीक है। तो अभी एक ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेशन हुआ था, ठीक है, 15 जून 2023 को ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेशन हुआ था। तो देखो आपके एग्जाम में डेज एंड डेट्स पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, डेज एंड डेट्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फायरमैन में पूछा था इंटरनेशनल टाइगर्स से, इस बार इंटरनेशनल योगा डे, योगा डे को कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपका 15 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबल विंड डे, तो डेज एंड डेट्स एक अलग से कॉलम बना लेना, एक अलग से A4 साइज का पेपर ले लेना, तो जब भी करंट अफेयर्स पढ़ो तो उसमें जितने भी डेज एंड डेट्स पढ़ते जाओ सबको एक जगह पर लिखते रहना, ठीक है, सबको एक जगह पर लिखते रहना।
तो 15 जून को आपको मार्क करा गया एज अ ग्लोबल विंड डे, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसी दिन जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उन्होंने अपना एक रिपोर्ट पब्लिश किया, और जो स्टेट्स रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको फेलिसिटेट किया, मतलब उनको अवार्ड वगैरह दिए, उनको इज्जत वगैरह दी। तो उसमें उन्होंने बताया कि राजस्थान वाज फेलिसिटेटेड फॉर अचीविंग द हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन, मतलब पिछले कुछ टाइम में सबसे ज्यादा विंड कैपेसिटी एडिशन किसने किया, राजस्थान ने किया। उसके अलावा गुजरात को फेलिसिटेट किया फॉर अचीविंग द हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन थ्रू ओपन एक्सेस, ठीक है। और तमिलनाडु को क्या है, फॉर इनिशिएटिंग रीपावरिंग ऑफ विंड टर्बाइन्स। तो कुल मिला के अभी इस टाइम पर आप देखोगे हाईएस्ट इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी किसकी है, वो है आपका गुजरात की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इज गुजरात। देखो पर्सनल नेम पे कमेंट करोगे तो अगली बार ब्लॉक कर दिए जाएंगे, ठीक है, तो उसका ध्यान रखिए। यहाँ पर जो इंटरेक्शन करना है एक दूसरे से आपस में नहीं करना है, मेरे से करना है, और आपस में अगर करना है तो एक दूसरे की हेल्प के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये कौन आ गया, गुरु गुलाब जी, ऐसे लोगों को अभी रुको, उनको बैन करते हैं। चलो ठीक है, तो कमेंट्स में ध्यान रखिए, सिर्फ काम की बात करिए, फिर आप एग्जाम होगा, फिर एग्जाम में कहेंगे सर ये मिस हो गया वो मिस हो गया। चलो आज मैं थोड़ा लाइट मूड में हूँ, एग्रेसिव मूड में नहीं हूँ, वरना भी दो चार अभी आज जा चुके थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 56, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन अंडर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे टू गेट द ए ट्राई स्टेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम फसाई। फसाई मैंने आपको बताया था फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में फूड से रेगुलेशन रिलेटेड जो भी रेगुलेशन है वो कौन देता है, फसाई देता है। कोई भी रेस्टोरेंट खुलता है उसके लिए जो लाइसेंसिंग होती है वो कौन करता है, फसाई लाइसेंस देगा, तभी आप रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट ओपन कर पाएंगे, ठीक है। तो यानी इंडिया में लोग क्या खा रहे हैं उसका कौन ध्यान रखता है, फसाई ध्यान रखता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फसाई ने अभी क्या है एक इनिशिएटिव निकाला है, ईट राइट स्टेशन। ये क्या है, एक सर्टिफिकेट है, यानी ये लोग डिफरेंट डिफरेंट रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वहां का खाना टेस्ट करते हैं, और जहां का खाना इन्हें हाइजेनिक लगता है, न्यूट्रिशनल लगता है, बढ़िया लगता है, तो उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं ईआरएस का, ईट राइट स्टेशन, यानी ये स्टेशन ठीक है खाने के लिए। हाँ जी, अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था बट नेटवर्क अब वापस से आ गया, तो अभी आप लोगों को विजिबल है, स्क्रीन क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, विजिबल है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, गिव मी अ थम्स अप। अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था बट वापस अब रिकनेक्ट हो गया। ऑल राइट हाँ, तो हम लोग ईट राइट स्टेशन की बात कर रहे थे कि फसाई क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट रेलवे स्टेशन जाता है, जहाँ का खाना इन्हें लगता है कि हाइजीनिक है, हेल्दी है, न्यूट्रिशनल है, तो उनको एक सर्टिफिकेट देता है ईट राइट स्टेशन कि यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द हाइजीन है ना, न्यूट्रिशन, उसके अकॉर्डिंगली रेटिंग देता है, स्टार रेटिंग, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, इस तरह से ये रेटिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब और रेलवे में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स डिवाइडेड हैं, तो नॉर्थ फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो जोन है, मतलब ये आसाम और अपना जो पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला जो पूरा जोन है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन, उसका पहला स्टेशन जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है तो वो कौन सा है, तो ऑब्वियसली बात है कौन सा हो सकता है, इट इज गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन किसे मिला है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को मिला है।
तो 1 to 5 के बीच इसमें रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। कौन देता है? फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो, ईट राइट स्टेशन जैसे एक मूवमेंट चला रहा है फसाई, उसी तरह से एक और मूवमेंट चलाता है वो ईट राइट मूवमेंट। ठीक है, ईट राइट मूवमेंट ये भी एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है। तो कल आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले, जैसे अभी एक सवाल आया था कि 100 days 100 pays ये स्कीम किसकी है, ठीक है, तो अपन ने बता दिया वो किसकी है, आरबीआई की। इसी तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि ईट राइट स्टेशन किसकी स्कीम है या ईट राइट मूवमेंट किसकी स्कीम है। तो आपको ध्यान रखना फसाई की स्कीम है। और ईट राइट मूवमेंट का पर्पस क्या है? कंट्री का जो फूड सिस्टम है उसको चेंज करना और ट्रांसफॉर्म करना हेल्दी में, उसमें लोगों को अवेयर करना है, लोगों को मोटिवेट करना है कि वो कैसा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। इसकी टैगलाइन यही है, सही भोजन बेहतर जीवन, यानी अच्छा खाना खाओगे तो अच्छी लाइफ जीओगे। ठीक है, ये क्यों कर रहा है फसाई? क्योंकि सरकार का एक इनिशिएटिव है, सरकार की पॉलिसी है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में सरकार चाहती है कि देश के लोगों की जो हेल्थ व्यवस्था है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे से मिले, लोगों को न्यूट्रिशन अच्छे से मिले। तो न्यूट्रिशन अच्छे से मिले और साथ ही साथ न्यूट्रिशनल चीजें लोगों तक मिले, मतलब एडल्ट्रेटेड या फिर इस तरह की चीजें जिसमें मिलावट हो उससे लोग बच सके। तो उसी के लिए फसाई ने एक मूवमेंट लॉन्च किया, ईट राइट मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि लोग अगर अच्छा खाना खाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली कई सारी बीमारियों से पहले ही बच जाएंगे। तो सरकारी हॉस्पिटल में सरकार के ऊपर जो हेल्थ का बर्डन है वो कम पड़ेगा अगर हम लोग अपनी डाइट को इम्प्रूव कर लें। ठीक है, तो इसीलिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 को ये सपोर्ट करता है, ईट राइट मूवमेंट। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है सर, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडिया फ्रीडम हैज वॉन द एलिजाबेथ लैंगफोर्ड प्राइज फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी 2023। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक? ठीक है, एक प्राइज विनिंग किताब है रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडिया फ्रीडम। इस किताब का ऑथर कौन है? रामचंद्र गुहा, शशि थरूर, सतीश चंद्रा, राम शरण। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 57 करेक्ट आंसर क्या होगा? रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडिया फ्रीडम, वॉन्ट द एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी 2020। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द करेक्ट आंसर इज राम शरण। एक मिनट, सॉरी, नहीं, राम शरण नहीं है। ठीक है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे, इट इज रामचंद्र गुहा। ठीक है, हाँ, तो इसमें ये मिस टाइप हो गया है, इट इज करेक्ट आंसर इज गुहा। ठीक है, आरजी गुहा, तो ध्यान रखिएगा। तो आपका जो रामचंद्र, सॉरी, आरसी गुहा, आरजी गुहा नहीं, आरसी गुहा, रामचंद्र गुहा। ठीक है, रामचंद्र गुहा की एक किताब थी, क्रिकेट से रिलेटेड थी ये, वो किताब लॉन्च हुई थी कुछ आपका 2020-21 में। तो उस टाइम पे जो एलडीसी हुआ था तो उसमें उस किताब पे क्वेश्चन आ गया, तो उस किताब के ऑथर कौन है? तभी ऑप्शन था रामचंद्र गुहा, लोग सोचे भी नहीं थे रामचंद्र गुहा होंगे, लोग कपिल देव आंसर लगा के आए थे क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड है, उन्होंने सोचा कहाँ गुहा हुआ होंगे। ठीक है, हाँ, मैं भी कह रहा हूँ गुहा है, आरसी गुहा, इनका नाम ध्यान रखिएगा। तो ये जो किताब है ना, रिबेल्स अगेंस्ट द राज, ये एक्चुअली में 7 लोगों की कहानी है जो कंट्री के लिए फाइट करते हैं। और इसमें खास बात यह है कि वो 7 लोग उस कंट्री के लिए फाइट कर रहे हैं जो उनकी खुद की नहीं है। ठीक है, ये उन लोगों की कहानी है जो खुद इंडिया के नहीं है और इंडिया के लिए फाइट कर रहे हैं। 7 में से 4 ब्रिटिश थे, 2 अमेरिकन थे और 1 आयरिश थे। ठीक है,
तो जरूरी नहीं है कि आपको हमारे देश की भलाई करने के लिए हमारे देश का ही होना जरूरी हो, ठीक है। अरे सतीश चंद्र कहाँ हो, पुराने, ठीक है। तो ये इसकी खास बात है। ऐसे तो मतलब रिबेल्स की हमने बहुत सारी कहानी बनी पड़ी है, तो बट ये 7 लोग ऐसे हैं जो इंडियंस नहीं थे, बट स्टिल उन्होंने इंडिया के लिए रिवोल्ट किया, ठीक है। चलो जी, तो ये क्वेश्चन हो गया। आरसी गोवा करेक्ट आंसर है, वो मिसटाइप हो गया, रामशरण, मैं उसको सही करवा दूंगा, ठीक है। ये रामशरण वो वाले हैं, आर एस शर्मा, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक की कहानी उम्मीद है क्लियर है, तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे। बाकी इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। और अगर पीडीएफ आपको लेनी हो तो पीडीएफ के लिए ऑलरेडी मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, 9907846422। अगर पीडीएफ ना मिले इस पर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।